अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइडियल एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम 7 क्लास की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसके यूनिट नंबर 5 के आंसर क्वेश्चन करेंगे। चलें, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इश्यूज़, कितने मसाइल हैं, हैज़ द टीचर इनुमरेटेड, इनुमरेटेड होता है बयान करना या शुमार करना, इन द यूनिट, जो टीचर ने यूनिट में शुमार किए हैं। ओके, उस्ताद साहब ने यूनिट में कितने मसाइल शुमार किए हैं। द टीचर उस्ताद हैज़ इनुमरेटेड, शुमार किए हैं अबाउट द इश्यूज़, मसाइल को, फॉग, धुंध, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, ओवर पोल्यूशन, आबादी में इजाफा, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, अजून लेयर, अजून की तह, डिप्लेशन, अजून की तह में कमी, एंड एयर पोल्यूशन और हवाई आलूदगी। उस्ताद साहब ने फोग, जंगलात की कटाई, आबादी में इजाफा, पानी की आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, अजून की तह में कमी और हवाई आलूदगी के मसाइल शुमार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट आर द काजेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मोग, स्मोग पैदा करने के क्या असबाब हैं। द काजेज, वजूहात ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मोग, स्मोग के पैदा होने की, आर बर्निंग, जलना, ऑफ हाई सल्फर कोयल, ज़्यादा मकदार वाले, यानी जिस वो कोयला जिसमें ज़्यादा मकदार में सल्फर हो, सल्फर की ज़्यादा मकदार वाले कोयले, एंड वेपर्स और बखारात, एंड स्मोग और धुआं, इमिटिंग फ्राम ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों से निकलने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन से इलाके हैं, वियर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, जो धुंध की चादर में लिपट जाते हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके धुंध की लपेट में रहते हैं, एवरी विंटर, हर मौसम सरमा में, द सिटीज़, शहर, इन अपर एंड सेंट्रल पार्ट, बलाई और वस्ती इलाकों के, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, वियर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, धुंध की लिपट में आ जाते हैं, ये धुंध की चादर ओढ़ लेते हैं, हर मौसम सरमा में, पाकिस्तान के बलाई और वस्ती इलाकों के, शहर, धुंध की लपेट में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एनुमरेट सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ड्यू टू स्मोग, स्मॉग की वजह से सेहत पर पड़ने वाले कुछ मनफी असरात का शुमार करें। स्मॉग काजिज लंग कैंसर, स्मॉग फेफड़ों के कैंसर, अस्थमा स्ट्रोक्स, अस्थमा स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक, दिल के दौरे, एंड डमेंशिया और डमेंशिया, स्मॉग फेफड़ों के कैंसर, दमा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और डमेंशिया का सबब बनती है। इट अफेक्ट्स, ये मुतासर करती है आवर मेंटल हेल्थ एज़ वेल, हमारी जहनी सेहत को भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन लाहौर, लाहौर में हवा के मैार के इंडेक्स की हद बयान करें। द रेंज ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स, रेंज होता है हद ऑफ द एयर क्वालिटी, हवा की क्वालिटी इंडेक्स की, इन लाहौर, लाहौर में वाज नोटेड, नोट की गई है, टू बी अबाउट 550 के करीब। रिमेंबर डैट, याद रखें कि एयर क्वालिटी, जो हवा की क्वालिटी है, टू द रेंज हद ऑफ 50 की, इज सेफ टू ब्रीथ इन, उसमें सांस लेना महफूज है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की हद 550 के करीब नोट की गई है, याद रखें कि 50 की हद तक हवा का मयार सांस लेने के लिए महफूज है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट सम बयान करें कुछ मेजर्स, इकदामात, यू कैन टेक, जो आप ले सकें, टू अवॉइड, बचने के लिए, द डिटरमेंशियल इफेक्ट्स, नुकसानदा असरात ऑफ स्मोक, स्मोक के नुकसानदा असरात से बचने के लिए आप कुछ इकदामात ले सकते हैं, बयान करें। मेजर्स, इकदामात, टू अवॉइड, बचने के लिए, द डिटरमेंशियल इफेक्ट, नुकसानदा असरात ऑफ स्मोक, स्मोक के इंक्लूड, शामिल है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मकदार में पानी पीना, हैविंग अब्लूशन, वजू करना, अवॉइडिंग गोइंग आउट, बाहर जाने से गरेज करना, एंड यूजिंग मास्क, और मास्क का इस्तेमाल करना।
स्मॉग के नुकसानदेह असरात से बचने के इकदामात में वाफर मकदार में पानी पीना, वजू करना और बाहर जाने से गरेज करना और मास्क का इस्तेमाल शामिल हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।